मुझे डरा रही हो तुम, प्लीज बताओ ना क्या हुआ। सबीन, इफ्तिजा की तुमसे पहले शादी रह चुकी है। हेलो, क्या वही है तुम? इस तरह बार बार नमदार ना हुआ करो। शादी के बाद दोस्तों के लिए टाइम नहीं होता लड़कों के पास। वो सब छोड़, तुम ये बताओ इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुस्कुराना मना है क्या? देख रहा हूँ मैं, सब देख रहा हूँ तुम्हारे ये बदलते हुए तेवर। अच्छा मेरे तेवर छोड़ो, तुम बताओ यहाँ पे तुम आए क्यों हो? क्या मसला? चाय पियोगे? छोड़ो चाय को, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया। स्ट्रक का पता चल गया जिसने तुम पर हमला किया था। क्या? किसका था? आईजी से बात हुई थी, वो कह रहा है कि अभी एक टिप मिली है उन्हें, अभी कोई पक्की रिपोर्ट नहीं, कुछ कंफर्म होता तो मैं तुम्हें जरूर बताऊं। प्लीज मेक श्योर ये खबर यहाँ से बाहर ना निकले, मैं मजीद किसी को परेशान नहीं करना चाहता, और आईजी के साथ इन टच रहो, देखते हैं कौन है वो। मामू आप कहाँ चले गए थे? मैं कमरे में गया था ये लेने के लिए। ये क्या है? ये गिफ्ट है नई दुल्हन के लिए। मामू ये तो वही सेट है ना जो आपने सबीन की शादी के लिए लिया था उसके वेडिंग ड्रेस के साथ। तो शादी पे ही दे रहा हूँ। आंटी आई एम सॉरी, हमें कहीं और जाना है, आप चलते हैं, हम खुदा हाफिज़। ऐसा भी क्या बात, तोहफा ही तो दिया। सॉरी। किस लिए? कामरान ने जो किया उसके लिए। उसके लिए तुम क्यों सॉरी कह रही हो? आपको बुरा लगा ना? हाँ लगा बुरा, जो कामरान ने किया वो बुरा लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बात मुझे ये बुरी लग रही है कि किसी और की फजूल हरकत की वजह से मेरी हसीन बीवी मुझे सॉरी कह रही। कामरान जो भी कर रहा है वो हम दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट करने के लिए कर रहा है, लेकिन मैं अब किसी को भी कभी भी हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। सच? कोई शक है? सभी
मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम क्या हो और मैं इस दुनिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए कभी भी किसी के लिए भी खुद को अजियत मत देना। वैसे भी अब तुम मेरी बीवी हो और वहां से मैं इसलिए आ गया क्योंकि उस वक्त खामोशी ही उस बात का जवाब था जिसका जवाब देना जरूरी था। कम ऑन, ये क्यों आंसू, किस बात के लिए? अच्छा, मुझसे अगर कोई गलत बात हुई है तो माफ कर दो। कोई बात नहीं, ऐसे ही क्या आंसू आए हैं। अच्छा, आप मुझे वो लिस्ट दिखाए ना, लिस्ट दिखा रहे थे आप मुझे। खबरदार, बात को अवॉइड ना करो, बस होते हैं। सॉरी यार, सॉरी। सबीन चली गई? जी चली गई, आज तो आप टाइम पर आ जाते। यार क्या सोच रही होगी, शादी के बाद पहली बार घर आई और मैं नहीं था। सबीन बाजी ने काफी देर आपका इंतजार किया, इनफैक्ट इर्तजा भाई भी आपके बारे में इतना पूछ रहे थे। क्या करूं यार, ऑफिस में इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि सारा दिन कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। चलिए खैर छोड़िए, आप फ्रेश हो जाए, मैं अपने खाना लगवा दूं। मैं अम्मी से मिलकर आता हूं। हां ठीक 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 है। दिल खुश हो गया मामू, आज तो मजा आया ना? यस आई एम श्योर इर्तजा ने आप खूब सबीन की इंसल्ट की होगी। तुमने देखा कैसे घूर रहा था मुझे? हाँ, ऐसे जैसे खड़े खड़े आपको भी जान से मारते। तो मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? मैं उसे आसानी से छोड़ देता। इजी मामू। खैर मुझे बताएं कि अब आगे क्या करना है। सबीन की खुशी देखी नहीं जा रही मुझसे, देखे ना उसकी वजह से आपके साथ कितना बुरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? उस इर्तजा के दिल में सबीन के लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगा कि वो खुद भागती हुई मेरे पास आएगी कि प्लीज मुझे अपना ले। एनीवे, आपा किधर हैं? माँ बाबा के साथ डिनर पे गई हैं, डिनर डेट। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? आओ, मैं हेल्प करती हूँ। मुझे एक काम है, मैं करके आता हूँ। सी यू लेटर। ठीक है। यस। सबीन और इर्तजा आ गए। आप ठीक तो हैं? हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही आप? किस बात का जवाब चाहिए आपको? हम आपसे कोई बात कर रहे हैं, आप हमें इग्नोर कर रही हैं। वो जब हम सबीन को पेपर्स दे रहे थे तब भी आपका रद्द अमल हमारी समझ से बाहर था। आपकी समझ में आएगा भी कैसे, बड़े बड़े फैसले करते हुए आपने हमसे पूछना तो दरकिनार, हमें बताना भी गवारा नहीं समझा। देखिए, हमें ये मालूम नहीं था कि अब अगर हम कोई फैसला करेंगे उसके लिए हमें कहीं से जाकर किसी की इजाजत लेनी होगी। बात इजाजत की नहीं है, जमीन उस लड़की के नाम करके आपने हमारी हैसियत दो कौड़ी की कर दी। कैसी बातें कर रही हैं आपको, ये जेब नहीं देता, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि उस लड़की पर एतबार करने में आप जल्दी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आपको भी उस पर एतबार कर लेना चाहिए। आप घर के तमाम कामकाज जो हैं सब कुछ उनको सौंप दें और आराम कीजिए, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। और हाँ, वो लड़की नहीं है, वो इस घर की बहू है।
क्या बात है, आज वॉक करने का ख्याल कैसे आ गया एकदम से? ऐसे दिल कर रहा था आपके साथ खुली हवा में सांस लूं, वॉक करूं। एक बात कहूं, मुझे इस घर में सबसे ज्यादा सुकून वाली जगह ये गार्डन लगता है। पुरसुकून, महकता हुआ। अच्छा, यानी पूरे घर में आपको पसंद आया भी तो ये गार्ड। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपको, मैं नहीं पसंद आया अभी तक? आप क्या कर सकते हैं, अब तो शादी हो गई। क्या सोच रहे हो? कि आगा जान ने मुझे इतना महंगा तोहफा क्यों दिया? तुम अभी तक वहीं पे अटकी हुई हो? सभी ने हमारी रसूमात है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बातें बिल्कुल नापसंद है, तुम्हारा इनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन आगा जान को मना करके मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता। समझती हूँ मैं। तो फिर मुस्कुरा दो ना। इर्तिज़ा, आपको पता है इस तरीके के तमाम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमेशा हमारे घर के बड़ों के पास होते हैं। बाबा के पास ब्रीफकेस में होते थे, आगा जान भी तो मेरे बाबा की जगह है। ज्यादा बेहतर होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आगा जान के पास हैं। तुम यही बात उन्हें खुद जाके कहोगे ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं उस लड़की को वो मकाम हरगिज नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं। तो आप इनकार कर रही हैं? आपको हमारा इनकार नजर ही कहां आता है? नजर आता तो ये शादी ना होती। वैसे आपको सभी से मसला क्या है? कोई एक मसला हो तो बताऊं, क्या हैसियत है उसकी, क्या वो हमारे बराबर की है? कोई रख रखाव नहीं है उसमें, और उसी की वजह से इर्तिज़ा आज हमारे मुकाबले में खड़े। अच्छा, तो आप यानी इर्तिज़ा की खुशी नहीं चाहती? क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, बस काम हो रहा। ये ओ थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे कब क्या चाहिए? बस देख ले। आप क्या कर रहे हैं? चाचा जान ने कुछ काम दिया है, उसी फाइनलाइज कर रहा हूँ। जानती हो कल हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आपने तो अपना दिल, दिमाग और वक्त सब कुछ बस काम में ही लगा दिया, मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। जानती हो बहुत प्यारी लगती हूँ नाराज होकर। मगर क्या फायदा मेरे नाराज होने का, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा बाबा, अब बोलो। मैं कुछ सोच रहा था, क्यों ना कल लंच पे चलें, सिर्फ तुम और मैं। सच्ची? सच्ची। ठीक है। आप हमारी नीयत पर शक कर रहे हैं? आप हमें मजबूर कर रही हैं। हमें लगता है आप अपना वादा भूल चुके हैं, अपने दिए हुए कॉल से वापस फिर। अगर आपने हमें इस तरह मजबूर किया तो शायद हम अपना वादा भूल जाएं। अगर सब कुछ तो किया है हमने, से पाला पोसा, इस काबिल किया कि आज हमारे मुकाबले पर खड़ा है। किसके लिए? उस दो कौड़ी की लड़की के लिए जिसकी खातिर आप भी हमें नीचा दिखा रहे हैं? देखिए, आप ये बात हरगिज ना भूलिए कि इर्तिज़ा हमारा बेटा है, हमारी वाहिद औलाद है, आगा दिलावर का बेटा। अगर आपने हमको मजबूर किया तो हम सारी दुनिया को जाकर ये बता देंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमको मजबूर मत कीजिए। और हमारी बहू के बारे में हम इस तरह की बातें आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल नहीं, वरना हम अपना वादा भूल जाएंगे।
सना का क्यों ख्याल आ रहा है? कहीं मुझे उससे मोहब्बत? नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं। तो फिर ये क्या है? क्यों मुझे उसकी याद आ रही है? और जब भी उसका चेहरा मेरे सामने आता है, मेरा दिल जोर जोर से क्यों धड़कना शुरू हो जाता है? आप ये बात हरगिज ना भूलिए कि इर्तजा हमारा बेटा है, हमारी वाहिद औलाद है, आगा दिलावर का बेटा। सबीन, तुम यहां क्यों बैठी हो? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं ना, तो मुझे लगा आप मुझे ढूंढ लेंगे। फाइल देने गई थी और रोमांटिक बातें कर रही थी। हाँ, रात बहुत हो चुकी है तो मैंने सोचा आप सुबह ही दे दूंगी। I don't know how to react to this. Why? क्योंकि तुम इतनी एक्सप्रेसिव, वो भी एकदम से, समझ में नहीं आ रहा कि हैरान हूँ या खुश। हैरानी किसी भी और चीज की हमारे दरमियान जगह नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोहब्बत है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही कि एक तो मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, उसके ऊपर ऐसी रोमांटिक बातें करती भी तो और भी ज्यादा खूबसूरत। क्यों ना हो खूबसूरत, आखिर इर्तज़ा अली बेग की बेगम हूँ। अच्छा बस करें, कुछ और बात करें। आइंदा तुम सबीन या इर्तज़ा के दरमियान में आए और तुमने कोई गलती की तो मैं मंसूर को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अय्या जान ने सोच लिया है कि इस घर की तमाम रिस्पांसिबिलिटी अब वो तुमको सौंपने लगे। क्यों शाबानो? जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाभी जी, अगर आपने आज मंसूर भाई को हकीकत बता दी होती तो वो मुझे घर से निकाल देते। वो तो ठीक है कामरान, लेकिन तुम्हें इर्तज़ा के सामने सबीन को तोहफा नहीं देना चाहिए था। अनजाने में गलती हो जाती है मुझसे, पता नहीं मेरा ध्यान कहां से कहां चला जाता है। उस वक्त मुझे यही ठीक लगा कि सबीन और इर्तज़ा को एक वेडिंग गिफ्ट दे दूं, तो मैंने दे दिया। अगर सबीन को मेरी ये हरकत अच्छी नहीं लगी तो मैं उसके घर जाके उससे माफी मांगने को तैयार हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सबीन की अभी शादी हुई है और तुम कोशिश करो सबीन और इर्तज़ा से दूरी रहो। जी भाभी जी, जैसे आपको ठीक लगे मैं करूँगा। और ये तुम्हारी आखिरी गलती है। आइंदा तुम सबीन या इर्तज़ा के दरमियान में आए और तुमने कोई गलती की तो मैं मंसूर को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब ये गलती तो मैं बार बार करूंगा। सबीन की जिंदगी अजीरा ना बना दी तो मेरा नाम भी काम ना रहे। कहाँ हो यार, पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, फुर्सत मिल गई आपको अपने ऑफिस के कामों से? आपकी नाराजगी कल दूर हो जाएगी। यार हम कल लंच पे जा तो रहे हैं। रहने दे,
आप कल फिर कोई काम निकाल लेंगे और ये सब भूल जाएंगे। अब क्या करूं, आपके पापा ने जो इतनी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी है। खैर बाबा को कुछ ना कहें, आपको खुद ही शौक है इन कामों का। कह तो रहा हूं तुम्हारे सारे गिले शिकवे कल दूर हो जाएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा मैं सोच रही थी नबील कि कल ना हम लंच के बाद सबीन बाजी के घर जाएं। हां दैट्स अ गुड आईडिया, हम लंच के बाद फौरन चलेंगे उससे मिलने। मैं आपको वहां कासिम से भी मिलवाऊंगी। कासिम? हाँ ही सो नाइस नबील। आपको पता है लास्ट टाइम जब मैं इर्तजा भाई के घर गई थी ना तो मैं इतना बोर हो रही थी, कासिम ने पूरे टाइम मुझे कंपनी दी, मुझे बोर ही नहीं होने दिया। जो सबीन बाजी की जमीनें नाम की है ना उस सब जमीनों का मुझे टूर कराया, इतना मजा आया ना नबील, कसम से आप उनसे मिलेंगे ना आप बहुत खुश हो जाएंगे। चलो ठीक है देखेंगे। और बताओ? और वो इर्तजा भाई से बहुत प्यार करती, उनके इतने पक्के साथी हैं। और आपको पता है कासिम मुझे बता रहे थे कि वो तो इर्तजा भाई के लिए अपनी जान भी दे सकते। हाँ तो वो उनका खास मुलाजिम है, है ना? मुलाजिम? मुलाजिम नहीं है वो, भाई कहें बल्कि भाई से भी बढ़कर हैं, इतनी इज्जत करते हैं वो इर्तजा भाई की। अच्छा सना मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। जा रहे अभी तो आप आए हैं, 5 मिनट भी नहीं हुए। कह तो रहा हूँ नींद आ रही है, थका हुआ हूँ, सब बताना जरूरी होता है क्या नबील? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सादे। तो आंखों में आंसू तो ऐसे हैं जैसे कि मैं बहुत बुरा हूं। नहीं नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आंखों में आंसू क्यों आए हैं? मैं तुम्हें ना हमेशा बहुत खुश देखना चाहता हूँ, बहुत 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 ज्यादा। इसलिए ना अपनी आंखें नम ना किया करो, ऐसे ना मेरा दिल ढेर सा जाता है। बस अब ये प्रॉमिस करो मुझे कि ये रोना धोना बंद, बस प्रॉमिस। अच्छा अपनी हॉबीज के बारे में। हाँ मुझे आर्चरी बहुत पसंद है। आर्चरी? मुझे तो नहीं आती। उसमें क्या बड़ी बात है? No big deal, I'll take you, you'll learn. Really? हाँ well, इतना भी आसान नहीं है। I mean, dedication चाहिए, precision चाहिए, strength चाहिए, core strength बहुत important है, strategy बनानी पड़ती है, बहुत कुछ है। क्या हुआ? कुछ नहीं बस ऐसे ही देख रही हूँ कि एक गेम है और उसके बारे में आप इतना सोचते हैं, जहाँ वाकई दिमाग लगाना होता होगा वहाँ कितना दिमाग लगाते होंगे। सारी बात इंटरेस्ट की है बेगम। हाय। क्या हुआ? जब आप ऐसे मुझे बेगम कहते हैं ना, क्या बताऊं? ठीक है बेगम। भाभी जान कागजात तो आ गए लेकिन एक बार फिर सोच लीजिए, उस घर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, भाई साहब की निशानी। जब इंसान ही ना रहे तो उसकी निशानी रखकर क्या करना। और फिर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि सबीन की नई जिंदगी शुरू होने पर उसको बाप के ना होने का ताना कोई दे। भाभी जान मैं हूं ना,
मैं भाईजान की जगह तो नहीं ले सकता, मगर सबीन के चचा होने के नाते मेरा हाथ उसके सर पर रहेगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ मंसूर, तुमने हमेशा हमारी मदद की है और मैं तुम्हारी मकरूज रहूंगी। ऐसी बात नहीं कर रही है। मुझे बोलने दो मंसूर, तुमने नाजिया की मुखालफत के बावजूद भी अपने भाई को कभी तनहा नहीं छोड़ा। अगर आज वो इस दुनिया में जिंदा होते तो वो भी यही कहते, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हम सबीन की शादी के लिए किसी से कोई भी मदद लें। इसीलिए कह रही हूं कि मेरी तो बस ये दो ही औलादे हैं और मेरा जो कुछ भी है वो सब इन दोनों का है। मैं तो बस सबीन को उस घर में उसका हिस्सा दे रही हूँ और ये उसे मिल जाएगा तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। ठीक है भाभी जान, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इफ्तिजा इस बात पर राजी होगा। देखो मंसूर, मैं सबीन को कोई जहेज नहीं दे रही हूँ, उसकी बाप की निशानी में से उसका हिस्सा दे रही हूँ। अगर इफ्तिजा को कोई भी एतराज होगा तो मैं उससे खुद बात कर लूंगी। नवीन बेटा, जो सामान भविजन को चाहिए वो घर ले आओ और बाकी वेयर हाउस में शिफ्ट करवा दो। जी चाचाजान, मैं करवा देता हूँ। भविजन, अगर आपकी इजाजत हो तो एक अलमारी है, मेरी उससे यादें वाबस्ता हैं, अगर वो मैं यहाँ ले आऊँ आपको कोई एतराज तो नहीं? तुम्हें किसी किस्म की कोई इजाजत की जरूरत नहीं है मंसूर, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अपने भाई साहब का अपने पास रख लो। आगा जान, ये फाइल प्लीज आप अपने पास रख लें। नहीं बेटा, ये तुम्हारा तोहफा है, भला मैं कैसे रख सकता हूँ? जी, मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, लेकिन अगर इसे आप रख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पता है हमारे घर में ना ऐसे सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स हमारे बड़ों के पास रहते हैं, पापा भी अपने पास ही रखते थे। तो आप बड़े भी हैं और पापा की जगह भी, अगर आप इसे रख लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपसे एक और चीज मांगू? हाँ, क्यों नहीं बेटा, जो जी में आए वो मांग लो। क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, आप मुझे बिल्कुल कह सकती हैं। और अय्या जान ने सोच लिया है कि इस घर की तमाम रिस्पांसिबिलिटी अब वो तुमको सौंपने लगी। क्यों शाबानो? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बस ये चाह रहे थे कि अभी नई दुल्हन है ना, तो चंद माह बेफिक्री के गुजार ले। यूं भी ये सादा घर की बच्ची है ना, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा अंदाज समझने में जरा वक्त लगेगा। मैं समझ जाऊंगी, मायूस नहीं करूंगी आपको। और वैसे भी आप है ना मुझे सिखाने के, आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगी, क्यों? बिल्कुल अय्या जान, अगर आप सबीन को ट्रेन करेंगी बहुत जल्द सीख जाएंगी। तो बस तय हो गया, अब आप सिर्फ आराम करेंगी और घर की सारी जिम्मेदारियां सबीन संभालेंगी। बिल्कुल, जैसे बाबा और आप चाहें। अय्या जान, आपको तो कोई एतराज नहीं ना? एतराज किस बात का बेटे, ये सब कुछ आप दोनों का है, आज ले लें कल ले लें। जी।
नबील कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या सीन है, हम कब जा रहे हैं लंच पे? मैं चेंज करूँ? सॉरी यार, आज हम लंच पे नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? मैं अम्मी को घर बेचने से रोक ही नहीं पाया। उन्होंने चाचा जान से डॉक्यूमेंट साइन भी करवा लिए हैं, बस बहुत जल्द हमारा घर बिक जाएगा। ये क्या कर दिया बड़ी अम्मी ने, ये तो बहुत गलत फैसला किया है। बाबा ने भी नहीं उनको समझाया। अरे वो कहाँ सुन रही थी चाचा जान की, बस कह रही है सबीन को उसका हिस्सा देना है। अजीब बात है, वैसे सबीन बाजी को तो कोई पैसों की अब जरूरत नहीं है। इतनी जमीन है माशाल्लाह उनके नाम हो गई है, उनको क्या जरूरत है? वही तो, लेकिन तुम जानती हो कि अम्मी कितनी रिवायत पसंद है। वो तो सबीन को खाली हाथ भेजना भी नहीं चाह रही थी। इर्तजा भाई ने जल्दी की शादी की तो उन्होंने शादी तो कर दी, लेकिन वो इस बार उनका हिस्सा दिए बगैर नहीं रह सकती। मुझे वाकई अफसोस हो रहा है कि अब आपका पुराना घर बिक जाए। हमारी इतनी यादें हैं, बचपन का आना जाना। तुम ठीक कह रही हो, बस आई एम सॉरी, आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सॉरी की क्या बात, हमारे बीच में सॉरी कब से? आई अंडरस्टैंड। क्या मुझे इर्तजा को सब कुछ सच बता देना चाहिए? नहीं, अगर ये हकीकत इर्तजा को पता चल गई तो कयामत आ जाएगी। लेकिन मैं इर्तजा से इतना बड़ा सच कैसे छुपा लूं? अय्या जान क्यों ऐसा कर रही हैं? कैसे एक बाप को अपनी ही औलाद को अपनी औलाद कहने से रोक सकती हैं वो? किन ख्यालों में गुम है बेगम साहिबा? कुछ भी नहीं। तो फिर अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तैयार क्यों? हमें आचरी पे जाना है ना। मैं भूल गई, मैं बस अभी तैयार हो जाती हूँ। ओके। मेहर अली, इर्तजा ने सिक्योरिटी साथ ले जाने से मना कर दिया, लेकिन हम उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। हाँ, उन्हें जाने तो दे नहीं सकते, लेकिन छोटे आगा चाहते हैं कि अमन के पीछे ना आए। वो चाहते हैं कि वो कुछ टाइम अकेले में साहबजादी सबीन के साथ गुजारे। वो मैं जानता हूँ, लेकिन आगा जान ने सख्ती से मना किया है कि जब तक ये ट्रक वाला मामला हल नहीं हो जाता तब तक इर्तजा और सबीन को अकेले नहीं छोड़ना। फिर आप बताइए कि करना क्या चाहिए। मुहाफिज की जब आंख चूक जाती है तो अगला लम्हा मालिक की मौत की खबर सुनाता है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। छोटे आगा के पीछे गाड़ियां जाएंगी और उन्हें पता नहीं चला। ऐसा ही होना चाहिए। बेटा मैं जानती हूँ, वक्त और हालात ने तुम दोनों बहन भाइयों को पहले से ही जिम्मेदारियां बहुत डाल दी। क्या हो गया अम्मी, ऐसे क्यों बातें कर रही? मैंने और सबीन ने कुछ कहा है आपसे? क्या तो कुछ शिकायत है मुझसे आपको? नहीं, तुम दोनों तो मेरे बहुत साबिर बच्चे हो। वो तुमसे बात करनी थी। जेमी बोले। मैं चाह रही थी कि मंसूर से कहूं कि अब हमें सना की रुख्सती दे दे। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अरे नहीं 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 अम्मी, मुझे क्या एतराज हो सकता है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो। अस्मा जी। सना बाजी, बन गया खाना बड़ी अम्मी का? जी खाना तैयार है, वो कहती हैं तो मैंने भिजवा देती हूँ। चल ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप ही नहीं नजर आ रही, कहीं गई हैं क्या? मैंने उन्हें बाहर जाते देखा था। यार काम था मुझे उनसे, कुछ बता के गई हैं किधर गई हैं? वो कहाँ किसी को अपना आना और जाना बता के जाती हैं, और मैं तो फिर एक नौकरानी हूँ और वो मुझसे बात तक तो ठीक से करती नहीं है। भला वो मुझे क्यों बताएंगी कि वो कहाँ जाती हैं कहाँ आती हैं। अस्मा तुम नौकरानी नहीं हो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे दिल में तुम्हारी बहुत अहमियत है। और बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी को देखो, वो तो तुम पे जान छावर करती है। बड़ी अम्मी तो वाकई बहुत प्यार करती है, तो सबसे बहुत प्यार करती है। मेरी बड़ी अम्मी हैं इतनी अच्छी,
वो सबसे प्यार करती। अच्छा तुम ये देखो ना, मैं नबील के पास जाती हूँ, कब से बुला रहे थे, वो खाना मांगे तो दे देना। चलिए ठीक है। ओके सना, जल्दी आओ, तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे। क्या हुआ है? मेरी अम्मी से भी बात हुई है, ठीक है, और वो बहुत जल्द चाचा जान से हमारी शादी की बात करने वाली है। सच में? सच में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब शादी होने वाली होती है तो लड़का लड़की का मिलना अच्छा है। तुम जानती हो सना, तुम्हारे मेरे बीच ही बातें अहमियत नहीं रखती। तुम जानती हो। मैं मजाक कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हो गया ना, फाइनली ये दिन आ ही गया। मैं तो एक दिन भी आपको देखे बगैर नहीं रह सकती। बहुत जल्द शादी हो जाएगी तो बस मुझे ही देखती रहना, इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये तो बताएं, बड़े पापा के घर का क्या हुआ? ब्रोकर से बात हुई है, बहुत जल्द घर सेल हो जाएगा। मुझे कहा था कि कुछ सामान है घर का जरूरी, जैसे अलमारी वगैरह, वो ला के रख दो। वो मैंने रख दी अलमारी। चाचा जान कह रहे थे कि उस अलमारी से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। बाबा बहुत प्यार करते थे बड़े पापा से। बाबा की ना हर बात में बड़े पापा का जिक्र होता था, हमको बताते थे, सिखाते थे बड़े पापा की सारी चीजें। बड़े पापा के जाने के बाद बाबा बिल्कुल टूट गए। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। साहब क्या आपने अच्छा नहीं किया, मुझे अकेला किसके सहारे छोड़ के चले गए, मुझे भी साथ ले जाते, वो घर बेचना मेरी मजबूरी थी। मैं कैसे जीऊंगी आपके बगैर, कैसे जीऊंगी मैं आपके बगैर। आप रो क्यों रही हैं? आसमां मुझे रो लेने दो बेटा, सबीन के सामने नहीं रो सकती वरना वो टूट जाएगी। कि मुझे कुछ बता के तो चले जाते, मेरे दिल को तो कुछ सुकून मिलता, ऐसे चले गए बगैर कुछ कहे। साहब मुझे भी बुला ले। संभाले खुद को आप। कैसे संभालूं खुद को, कैसे जीऊं? मैं आपके लिए पानी लाती हूं। क्या आईजी साहब को इस बात पे पूरा यकीन है? उनके मुताबिक ये सब किया धरा कामरान जमाल का ही है। वो ट्रक है तो उसी के वेयर हाउस का, लेकिन लेकिन क्या? हादसे से दो दिन पहले उस ट्रक के चोरी होने की FIR कटी हुई है। ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर लिया है उन्होंने। फिलहाल वो जहां पर जॉब कर रहा है वो भी कामरान जमाल का ऑफिस है। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने भी यही कहा है उनसे। लेकिन उन्हें को कि अपनी कार्रवाई जारी रखें। उनके पास कामरान के खिलाफ कुछ और पुराने केसेस भी आए हैं, कि सब मिलाकर इतने सबूत काफी हैं कि उसको आराम से गिरफ्तार किया जा सके। तो फिर देर किस बात की? बस मैं ये चाह रहा था कि तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए। का